कहाँ मिस्टेक रह जाती है जो रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता। बट एनीवेज बार बार बिल देके जा रहे हैं कि इतना पैसा लगा है, पूछ निकल आई है प्याज की। और मैंने जो मंदू के पापा का नाम लिया ना, उनका मेरे तो ऐसे देखे थे वहां तो इरिटेटिंग, ये इरिटेट होता है, इसको पूछी करो तो इरिटेट होता है, और मुझे मजा आता है इसको इरिटेट करने में, बहुत अच्छा मजा आता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आरती। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज है वेनसडे, आफ्टरनून का टाइम हो रहा है, और मैंने कल बनाया था गाजर का हलवा और मैंने नन्नू को खिला दिया है। बस मैं खाने बैठी थी, मैंने सोचा चलो इसको पढ़ाते टाइम मैं खाती रहूँगी, तो बस इसको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ। ये ट्यूशन से पढ़ के आ चुका है और ये थोड़ी देर सो भी चुका है, और बस इसको अब मैं यहाँ पर जिसको होमवर्क मिलता है वो करा रही हूँ। और ये देखो अब खुद से पेंसिल चलाने लगा है। आई एम सो हैप्पी, सो सो हैप्पी, ये खुद से पेंसिल चलाने लगा है। हाँ, प्रॉपर तरीके से अभी नहीं, ठीक है, तो स्लैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन बनाने लग गया है, तो स्टार्टिंग तो वैसे भी यहीं से होती है। तो बस इसको मैं अभी स्लीपिंग लाइन्स और स्लैंडिंग लाइन करा रही हूँ, और बस इतना मिस्टेक करता है कि मुझे उसको इरेज करना पड़ रहा है, कभी नीचे लेके जा रहा है, कभी ऊपर लेके जा रहा है। बट हाँ, धीरे धीरे हो जाएगा, बट इसकी हरकतें पूरी जारी रहती है। मतलब पढ़ना है, कई बार जब इसको खिलाने बैठो तो कैसा पढ़ना है, और जब पढ़ाने बैठो तो इसको खाना है। इसको ना कहीं हरकतें सुस्ती रहती है, पता नहीं क्या। और ट्यूशन जाता है तो घर आने का नाम नहीं लेता, और घर से ट्यूशन जाने के लिए बोलो तो इसको ट्यूशन नहीं जाना, पता नहीं क्या ये लड़का है। और पता है यहाँ पर मैं इसको 3:30 बजे के, 3:30 पौने 4 बजे के आसपास मैं इसको पढ़ाने बैठी थी, और इसने 5 आई थिंक, हाँ 5:15 बजा दी थी, जिसके बीच में हस्बैंड भी आ चुके थे। तो ये देख लो इतना टाइम लगाता है ये पढ़ने में। सिर्फ 2 पेज थे, एक पे एल बनाना था और 2 पेज पे स्लैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन, इतने में इसने इतना टाइम लगा दिया। ये देखो अब इसकी हरकतें स्टार्ट हो गई है कि मुझे नहीं पढ़ना है, मम्मा आप करो, मुझे नहीं पढ़ना है। तो बस यहाँ पर अभी हम आए हैं मार्केट से, और टाइम हो रहा था यहाँ पर 7:45, और आज हस्बैंड की सैलरी आई थी तो सामान ख़त्म हो रहा था, लेने गए थे ग्रोसरी का, और साथ ही साथ लगे हाथ हस्बैंड को बोला चलो कुछ खिला भी दो, तो हम लेकर आए थे वेज तंदूरी चाप। तो चाय वगैरह भी नहीं पी थी, चाप के साथ हमने आज चाय पी है। तो बस मैंने साथ साथ चाय रख दी है, और हस्बैंड किसी से बात कर रहे थे, नन्नू अपना लगा हुआ है। और चाय बन चुकी है और चाप मैंने प्लेट में डाल ली है, और हम इंजॉय करते हैं आज चाय के साथ तंदूरी चाप, कुछ अलग ही फ्लेवर हो गया ना। वैसे ना शाम की चाय नहीं पी थी तो बना ही ली है उसके साथ में, चाप के साथ में। तो ये मैं लेकर आई हूँ उस्मान मार्केट से, जिसके लिए हमें लग गए हैं 2 घंटे। तो यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ ये 2 चोकोस के पैकेट, मम्मी के लिए, नन्नू खाता है, और ये मैं नैको के लेकर आई हूँ चीज़ लाइंस क्लासिक वाला, जो कि मुझे पसंद है, नन्नू को पसंद है, नन्नू के पापा को पसंद है। और ये देखो हाथ ये खुल चुका है, और मैंने जो नन्नू के पापा का नाम लिया ना, उनका मेरे तो ऐसे देखे थे मैं खाता ही नहीं हूँ। एनीवेज उसके बाद मैंने लिया है ये कलर, हेयर कलर जो करना है कल हस्बैंड का, और इनकी ये शेविंग क्रीम, और ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो कि मेरा खत्म हो चुका है। और हाँ, ये मेरी फेवरेट है चुपा चुप वाली कैंडी, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो इसे मैंने ले लिया, दिख गया तो ले लिया। और यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ 12 पैकेट टमाटो सूप के, और ये एक मैंने मॉम मैजिक वाला बिस्किट रखा है, और ये पता नहीं कौन से ब्रांड का ले लिया है, सूरज ब्रांड आमचूर पाउडर। वैसे पता मैं घर पर ही पीसती हूँ, बट ना इसका मुझे मिला नहीं सामान, नहीं तो घर पर ही पीसते। तो एनीवेज सब पैकेट आ गया है, और एक ले लिया है राजस्थानी बेसन का पैकेट, एंड यहाँ पर लिया है 2 क्रंची ब्रिटानिया की चॉकलेट वाली है, और एक नमक का पैकेट खत्म हो चुका था, और नमक खत्म हो चुका था यहाँ पर नमक लिया है टाटा सॉल्ट, और यहाँ पर हमने ली है ये तूर दाल जो कि बनाना है हमें सांभर, तो देखो कब बनाते हैं। और चीनी ली है जो कि ख़त्म हो गई थी, और ये हमने लिया है रस का पैकेट जो कि ये भी खुल चुका है आते के साथ। ओके, सो यही सामान है जो मैं लेकर आई हूँ मार्केट से, और हम जो चाप लेकर आए थे वो हमने खा ली है। एंड चलो अब इसको लगा लेते हैं और बनाते हैं डिनर, क्योंकि डिनर की तैयारी करनी है। मैं इसको पहले सैनिटाइज कर लेती हूँ, देन इसे हम लगाएंगे। वेट,
तो ये है सैनिटाइजर। हमने खोल लिया है और सैनिटाइज हम बाद में कर रहे हैं। ओके, थोड़ी देर के लिए यहीं पड़ा रहेगा, दिन में इसको ना रात को लगाऊंगी। अभी सबसे पहले मैं ना वो बना लेती हूँ डिनर, क्योंकि डिनर में मैं फिर लेट हो जाऊंगी। तो चलो देखते हैं कि डिनर में क्या बनाते हैं। पूछ निकल आई है प्याज की। इतने मुद्दों के बाद पूछने के बाद कि क्या बनाऊ क्या ना बनाऊ, तो अब बन रहा है बेसन का चीला। फोन पे बैठे हैं मेरे हस्बैंड ना, बार बार बिल देके जा रहे हैं कि इतना पैसा लगाया, मतलब इतना पैसा खर्च होने के बाद भी पड़ रही क्या क्या देके जा रहे हैं, क्या दे रहे हो ये अभी 2 दिन तक ना पैक नहीं जाएगा ये बिल, संभाल के रखेंगे 2 दिन तक, देखते रहेंगे कितना कहाँ कर दिया है ना। ये देखो ये बैठा है फोन में, नहीं आज इसने पूरा दिन फोन नहीं लिया और अब बैठ रहा है ये फोन पे। तो चलो हम चलते हैं अपनी किचन में। तो आज डिनर में बन रहा है बेसन का चीला, और यहाँ पर मैंने 3 से 4 प्याज लिए जो कि मैं कर रही हूँ चॉप, और बारीक से करने हैं उसे मैं डाल दूँगी बेसन में। और यहाँ पर मैंने एक खुला सा बर्तन ले लिया है जिसमें मैं 1.5 कटोरी जितना बेसन डालूँगी और 1/2 कटोरी जितना मैं इसमें सूजी डालूँगी, जिससे कि ना जो चीला होता है वो सॉफ्ट बनता है और क्रिस्पी सा बनता है। तो बस इसमें मैंने सूजी ऐड कर दिया, अब प्याज ऐड कर दूँगी, और ना इसमें अभी मैं कुछ मसाले वगैरह नहीं डालूंगी। अभी इसको मैं 15 से 20 मिनट तक के लिए ऐसे ही रखूंगी, क्योंकि सूजी फूलती भी है, तो बस 20 मिनट तक के लिए रख दूंगी। अच्छा सा पेस्ट बना लेना है, और बातें चल रही हैं हस्बैंड से, कुछ टॉपिक छिड़ा हुआ था उस पर बात चल रही थी। तो बस यहाँ पर देख सकते हो कि जो पेस्ट है वो ऑलमोस्ट रेडी है, तो बस मैं इसको ढक के रख दूंगी 20 मिनट के लिए। तो यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ, रेगुलर मसाले जैसे ही नमक हो गई, लाल मिर्च हो गई, और थोड़ा सा मैं इसमें हरा धनिया डाला है, और थोड़ा सा मैंने इसमें मैगी मसाला डाला है, और सूखा धनिया डालूंगी बहुत सारा, और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। आप चाहो तो इसमें हरी मिर्च भी काट सकते हो, जिससे कि और भी अच्छा फ्लेवर आता है, बट मैंने इसमें हरी मिर्च नहीं काटी क्योंकि नन्नू को भी खाना होता है। और बस एक बार इसको अच्छे से हिला लेना, और थोड़ा सा पानी मैंने ऐड और भी करा था, क्योंकि जो सूजी है ना वो फूलती है। तो आप देख सकते हो मैंने तवे पे ना फ्राई पैन पे हल्का सा ऑयल लगा लिया, मैं तो यहाँ पर डालटा यूज़ करती हूँ रथ वाला, तो वो लगाकर इसे अच्छे से फैला लिया है। तो बस ऐसे ही बनाती हूँ मैं, आप कैसे बनाते हो बताइएगा ज़रूर। और आज तो हमारा डिनर में ये बना है, आप लोगों ने क्या बनाया बताइएगा ज़रूर। लीजिए हमारा जो चीला है रेडी है, तो आ जाओ फ्रेंड्स आप भी खा लो और बताओ कैसा बना है। ये देखो मेरे चीले बन के रेडी है, मैंने इतना बड़ा बना लिया अपना, और साथ में चाय इन्होंने नहीं पिया है हस्बैंड ने। नैना कैसे बने थे? अच्छे। नन्नू कैसे बने थे चीला? ठीक है। ये नन्नू कैसे बने थे? यम्मी था। ये गेम में खेल रहा है, वो फोन में गेम खेल रहा है, ये देखो। और टीवी में चल रही है बॉर्डर मूवी, तो चलो हम एंजॉय करते हैं अपना चीला, और मैं मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। सो हमारा डिनर हो चुका है अच्छे से, और मैंने
किचन को क्लीन कर लिया है और ये जो मैस देख रहे हो ये जो ग्रोसरी का सामान है उससे लग रही है, क्योंकि वो जब तक हटेगा नहीं स्लैब अच्छे से क्लीन होगी नहीं। तो बस मैंने जिसमें अपना राशन वगैरह रखती हूँ वो निकाल लिया है डब्बा, उसे एक बार सामान निकाल के अच्छे से क्लीन कर लूँगी साफ़ कपड़े से। और टाइम यहाँ पर काफ़ी लेट हो गया था तो मैं फटाफट से लगा लेती हूँ सामान अपना एक एक करके जो मुझे डब्बे में डालना है और जो भी नीड है, जैसे कि ये सरसों हो गई और राई वगैरह जो भी डब्बे में ख़त्म होती है वो मैं लगा लूँगी। किचन हो चुकी है अच्छे से कंप्लीट और जो राशन लेकर आई थी उसे मैंने लगा दिया है एक एक डब्बे में अच्छे से, डब्बों को साफ करके देख लिया होगा आप लोगों ने। और टाइम बताओ इस टाइम क्या हो रहा है, 12:45 रात के 12:45 बज रहे हैं और रिपीट चल रहा है स्टार प्लस पे कौन सा साथ निभाना रिपीट जो आता है ना रात को 11:30 बजे 12:45 बज रहे हैं। नन्नू के पापा और नन्नू सो चुके हैं और 9:30 बजे सो गए थे, इनकी एक नींद पूरी भी होने वाली है और मैं जाग रही हूँ भूतों की तरह बस। हाँ एनीवेज पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ है क्योंकि बोतल में देखा पानी नहीं था, अभी मुझे प्यास लग रही थी तो इसे रखा है। और इसे डालने के बाद किचन की लाइट ऑफ करूँगी और बैठूँगी वहाँ पर बाहर क्योंकि मुझे वीडियो एडिट करना है, बच जाएगी मुझे 2:30 और मॉर्निंग में वही रूटीन करूँ। मॉर्निंग में पता कैसा होता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मॉर्निंग से स्टार्ट करूँ बट अब मैं 3 बजे सो रही हूँ तो लगा लो कि सुबह कितने बजे उठूँगी, 9-10 बजे उठती हूँ, इतने में नन्नू को ट्यूशन जाने के लिए रेडी करना पड़ता है तो चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मिक्स मैच हो जाती है और नन्नू बिना फ़ोन के कुछ भी नहीं करता है। अब धीरे धीरे मैं वैसे उसकी हैबिट छुड़ा रही हूँ और आज मैंने पूरा दिन सच बताऊँ उसको फ़ोन नहीं दिया था, वो पापा आए तो उसने पापा का लिया तो एकदम से भी नहीं छोड़ सकता तो बस ट्राई करेंगे वो धीरे धीरे छोड़ दे, इंटरेस्ट ज़्यादा वो पढ़ाई में लेता है बट थोड़ा सा ना नोटी हरकतें करने लग जाता है, कभी नहीं पढ़ना कभी पढ़ना है ऐसी ऐसी चीज़ें करता है। एनीवेज जैसे जैसे बड़ा होगा तो समझ आने लग जाएगी और यही है लाइफ, मॉर्निंग उठो काम वाम करो और बस यही चीज़ें हैं। सीधा मैं डिनर ही दिखा पाती हूँ, डिनर का मैं इसलिए दिखा पाती हूँ बिकॉज मेरा लंच और ब्रेकफास्ट नॉर्मल ही बनता है, ऐसा कुछ नहीं कुछ खास बनता कुछ स्पेशल बनता है जो मैं आप लोगों से शेयर करूँ, मेरा डिनर ही स्पेशल बनता है और वही मैं आप लोगों से शेयर करवाती हूँ। किसी ने मुझे कमेंट भी किया था कि आप सिर्फ डिनर ही करते हो आप लंच और ब्रेकफास्ट नहीं करते, डियर लंच और ब्रेकफास्ट करते हैं बट स्पेशल कुछ नहीं बनता, स्पेशल तब बनता है जब हस्बैंड घर पे होते हैं और कुछ भी अगर मैं बनाती हूँ तो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ अगर डे में भी अगर मैं कुछ बनाती हूँ। और मॉर्निंग की वही रूटीन रहती है, उठो झाड़ू पोछा करो और देन बैठे रहो और क्या करना है कुछ नहीं करना ना, मेरी कोई इतनी बड़ी फैमिली भी नहीं है कि मैं इधर कर रही हूँ उधर कर रही हूँ, एक छोटा सा घर है एक रूम से किचन से रूम, इतना बड़ा घर भी है ना कि घूमती रहूँ पूरे घर में। तो बस यही है जो स्पेशल होता है रात में होता है तभी मैं आप लोगों के साथ रात का शेयर करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि अच्छा सा अच्छा कर पाऊँ बट पता नहीं मेरी कहाँ मिस्टेक रह जाती है जो रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता बट एनीवेज रिस्पॉन्स कभी ना कभी तो अच्छा मिलेगा, भगवान जो है मेहनत का फल देता ही है चाहे लेट दे लेकिन देता ज़रूर है, होप मेरी तो यही है जो मिलेगा फल उसका। तो यही है मेरी एक सिंपल सी लाइफ जो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, कोई हाई क्लास वाली नहीं हूँ मैं मिडिल क्लास ही हूँ तो वही चीज़ें शेयर करती हूँ, कोई ऊपर से नहीं दिखाती जो है वही दिखाती हूँ ठीक है। तो वीडियो का एंड करती हूँ, वीडियो एडिट करनी है नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा और वीडियो भी लंबा हो जाएगा। होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना शेयर कर देना एंड कमेंट करके जरूर बताना कि मेरा वीडियो कैसा लगा। और हाँ चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब, उसके साथ में जो बेल आइकन हिट कर लेना ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे जब भी डालो। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू गाइस, बाय बाय।